हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और बने रहेंगे, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए इस प्यारा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अभी काजल बना रही है चोखा और उधर दाल है और रोटी बन चुका है जैसे कल वाले ब्लॉग में देखे थे। तो चलिए फटाफट से बना के खा के और मैं निकल जाऊंगा, फिर काजल आपको दिखाएगी, शूट करेगी कुछ कुछ, है ना। फिर मैं आऊंगा शाम को 6 बजे। और चलिए अभी फटाफट से मैं बत्ती क्या करोगी, ये देखिए यहाँ पे बिस्तर लगाई है मानसी। तो चलिए अभी दोस्तों हम फटाफट से थोड़ा सा नहा धोवा लेते हैं और खाना खा के निकलेंगे जल्दी से, लेट हो गया ऑलरेडी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं खाना खा रही थी और मानसी भी खा रही थी और मानसी के पापा ने आज बिना खाए चले गए, बहुत टेंशन हो गई था। पैक कर दिए, खा लीजिएगा जाके, लंच का भी ज़्यादा खाना पैक कर दिए। और मानसी अभी वॉशरूम में से आई है ना। हाँ, पेट दर्द कर रहा था। पेट दर्द कर रहा था, खाना खाई थी बेटा जी, इसलिए हमने खिला दिया। ठीक है, अब नहीं खिलाऊंगी। तो चलिए हम भी खाना, मैंने खा दिया अंडा। अंडा मत खाना, खराब हो जाएगा। दोस्तों अभी माँ बेटी खा लिया, खा के सोए हैं, है ना बेटा। और क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे ऐसे आ रहा समझ में आपको? हाँ। क्या करना है? मुझे नहाना है। नहाना है? नहीं, मैं नहा ली। नहा ली हो ना। हाँ। तो पापा आएंगे तो चलेंगे मार्केट, है ना। रेड कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। आप सबका कमेंट आया था, हमें अच्छा लगा देख के कि कर लिया करो। मान जी पापा नहीं रहते तो कुछ करने का, बेटे से उठने का मन नहीं करता, आलस आ जाता है। और ये मानसी ना खाई है बिस्किट वगैरह। तो चलिए दाल रोटी चोखा, तो चोखा और रोटी है तो रहने देते हैं। और चलिए सब कुछ साफ करके शाम तो पूछेंगे नहीं, सही सूखा सूखा पूछ देंगे खाली फ्रश को। और चलिए बर्तन वर्तन धो लेते हैं और आप सबको दिखाते हैं। ऐसे ही आप सब कमेंट करते रहिए, सुन के अच्छा लगा था। ये नहीं रहते हैं तो सारा काम कर लो। हाँ आज कर लेंगे दोस्तों। खाने वाला लगा था इसलिए चाट ली। और चलिए फटाफट से दो तीन अंडा बचा था तो बाजी बॉल कर दे, क्योंकि खराब होने का डर था बहुत दिनों से रखा था। IPL देखो ही नहीं बल्कि अपनी ओपिनियन देके काफी प्राइसेस जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसा कि हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसा 50+ तरह में क्वेश्चंस में अपना ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हैं। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 hours कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस जहाँ आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइसेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला और सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल और नेहा शर्मा जैसे बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। आप काम करोगे बेटा? हाँ। मानसी बोल रही है मैं काम करूं। ये मैं रखी हूँ मैं। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए बर्तन उतन को खड़ा को काएगा, एक नोट मार दिया, हो सके तो फास्ट भी कर देंगे। दोस्तों मानसी मेरा मदद कर रही है क्योंकि अभी देखिए बेड का हाल कितना खराब हो चुका है। खराब हो चुका है। तो बर्तन तो धो लिए, झाड़ू लेके आए, बेड उड़ झाड़ के फिर झाड़ू लगा देंगे। बेड उड़ लगा के सिक्का मिला। हाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बेड उड़ को लगा लेते हैं अच्छे से एकदम। थक गई हूँ दोस्तों, खड़े होते होते ना आती हूँ ना, उठने का मन नहीं करता, क्योंकि खड़ा होने का मेरा आदत नहीं है, खड़े होके खाना वाना बना। पापा लाल के इतना मदद करे ली सर, अभी हम आके बैठे ही थे, बोले कि बेटा बेड को लगाना है तो आपको मदद चाहिए। बोले हाँ, अपने आप से फटाफट तीनों तकिया उठा के ले गई, जितना डिब्बा ढकने था सारा उठा के ले जाके चौकी पे रख रही है, अब आके क्या करेगी। पापा
क्रीजा कितना हमरे ललक कितना काम कर ली और आगे जाओ ठीक है आप मम्मा बन गई हो ठीक है ठीक है आप मम्मा बन गई हो क्या लल्ला ठीक है इसको यही रखते हैं ठीक है माइक को आप लगाई हो चार्जर में ठीक है खत्म हो गया था चार्ज ठीक है चलिए दोस्तों बेड को लगाते हैं फटाफट माँ बेटे मिलके थैंक यू लल्ला दो दो इसी को बिछाएंगे दोस्तों ये हाथ उठा दो मुझे दिखा दो ठीक है हाँ बोलो दोस्तों को मामा क्या कर रही है दिखा दो आप क्या कर रही हो बेड लगा रही हो और दोस्तों आज ना मैं सोची कि आज खीर बनाऊंगी खीर खाने का मन कर रहा है थोड़ा सा आधा लीटर तो दूध आता ही है उसी में से थोड़ा सा बना लेंगे आता ये मेरा आता दूध हाँ अभी का दूध से चुरा लेंगे नहीं मेरा दूध बना के आओगी मुझे दिखाओ दोस्तों को देख रही हो बस हो गया हो गया हाँ बाप हो मेरी लल्ला देखिए मम्मा जैसे करते उसे सारा बाबू में दौड़ गए इधर पानी गिरा था दोस्तों ये गिर गए थे ना दौड़ के जा रहे थे तो ये हम पहुंचेंगे अभी पहुंचने के लिए सोचे बेड लगा ले तब पहुंचते हैं अभी ले आई पूछने वाला मैं ला दूंगी इधर आओ आप इधर आओ कितना काम कर लो कितना मैं देखो मैं कर ली हाँ कितना अच्छा लगा ये मन से सारा इधर का दादी है देखिए ये दादी है मेरा बेटी उधर से उधर से दाबते गई थी मानसी उधर मत जाना पानी है ठीक है बेड पर रहो ठीक है पंखा चला लो और बेड पे रहो ठीक हाँ। और मानसी पंखे का हवा खाएगी तब तक इसको पोंछ देंगे तो ये सूख जाएगा है ना चलिए अब झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं सूखने दो अभी अब चलेंगे तो दोस्तों देखिए बेड वेड हमने लगा दिया एकदम अच्छे से उधर मत जा बेटा अभी पता ना सूखा हो कि नहीं और इधर पूरा झाड़ू वाड़ू लगा लिए हैं और इधर देख सकते मानसी फैलाई है खेल रही है इधर में बर्तन धोते हैं तो रख देते हैं से पानी छिटकता है और वो थोड़ा सा गीला हुआ कचरा इसलिए वहीं रखे हैं उसमें ना मतलब बदबू आने लगता है यहाँ खुला रहेगा यहाँ से चला जाएगा फिर रात में जाएंगे मानसी पापा आएंगे तो लेके चले जाएंगे और इसमें थोड़ा सा चोखा रोटी लेके चले जाएंगे आपको भी लेके चले जाएंगे मार्केट कहाँ पे दूध लाने मैं दूध लाऊंगी हाँ आप कैसे लाऊंगी पापा साथ अभी दोस्तों देख सकते हैं हम खीर बनाने जा रहे हैं आज मानसी पापा भी जस्ट आए हैं दूध बोली थी लेके आने को लिए क्या ले गए गांव से मांग रहा हूँ पोछने के लिए लाओ मुंह तो पोछ लो नहीं दे रही कह रही मेरा पोछ ले लो तो चलिए बनाते हैं तो अभी दोस्तों पता नहीं क्या बना रहे तो अभी खीर बन रहा है दोस्तों और कुछ ना बने खाली खीर है रोटी चोखा दाल तो अभी चावल बैठा दिए कुछ चटक मटक बनाई थी बाहर जाना मीठा चीज खाई मीठा चीज उससे अच्छा खिचड़ी बना लिया तो वो सबसे बेटर होता खिचड़ी और चोखा वो काफी अच्छा लगता अभी लगा है मेरे को भूख चलो रोटी चोखा ना बनाओ खीर खाई ले तो चलिए आप लोग बने रहिए दिन गए थे मार्केट तो ये और लाइची का पॉकेट लाए थे तो लाइची भी डालेंगे खीर में चलिए लाइची को खड़े खड़े डालेंगे फिर बन जाएगा तो दांत पर पड़ते तो दिमाग खराब हो जाता है बाकी यहाँ किशमिश बहुत महंगा मिल रहा था 50 रुपये का इतना पैकेट मिल रहा था इतना तो 10 रुपये में यही डालेंगे कट के डालेंगे दोस्तों अभी खीर में दूध डाल रहे हैं काजल 90% मतलब हो गया चावल 10% छोड़ो तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हमारा खीर कितना टेस्टी दिख रहा है इधर काजल भी लेके बैठ गए खाने के लिए इधर मानसी भी बैठ गए खाना खाने के लिए बहुत गर्म है बहुत गर्म है हाँ। आराम आराम से खाएंगे ओके हाँ, बहुत गर्म है आप नहीं खाओ ठंडा हो जाएगा ओके तो चलिए अभी फटाफट से खाते हैं ठंडा करके मानसी वार्निंग दे रही है बहुत गर्म है मत खाओ आप और आप लोग भी दोस्तों खा लीजिए देख सकते हैं कितना बहुत गर्म ये हमें
ओके ओके, ये आपका है? हाँ ये मेरा है। ठीक है खाओ आप। ओके खाओ। ओके मैं गोल गोल को बैठी साइकिल को। तो चलिए दोस्तों खाना खा के फिर मिलते हैं। कौन सा घर? रेड वाला घर। रेड वाला घर जाओगी? दोस्तों अभी रात हो गया, देखिए अभी खाना पीना खा के हम लोग सो रहे हैं। रात का सुबह ही बन। सो जाए बेटा, सुबह जाएंगे। ओके बहुत ज्यादा जिद कर रही है दोस्तों, उसी टाइम से घर चलो घर चलो, रेड वाला घर चलो, पिंक वाला घर चलो। चलेंगे रो रही है ना जाने के लिए। क्या हो रहा है, क्या हो गया? नहीं रो बेटा, सुबह चलेंगे। वहाँ घर जाने के लिए दोस्तों जिद कर रहे उसी टाइम से। क्या कर रहे हैं सब? दिन में चले जाते हैं ड्यूटी, 24 घंटा हम लोग घूमने जाते हैं दोस्तों। नहीं रो कल चलेंगे। वहाँ पे थी तो बहुत ज्यादा खेलती थी ना बाहर में निकल निकल के नया वाला घर पे, फिर मतलब हाँ वही अब एकदम से नहीं हो पा। सो जाओ बेटा सो जाओ, रात हो गया। ओके तो बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? घर जाओगी? रेड वाला। सुबह चलेंगे, घर पर चलेंगे बेटा। पापा बोल रहे थे पापा घर पर ही कुछ करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, वहीं पर आप पढ़ना ठीक है। यहाँ पर कितना दिन रहेंगे हम? वहीं पर लल्ला का एडमिशन कराएंगे ठीक है, वहीं पढ़ने जाएगी, वहीं पर रहेंगे। हाँ रेड वाला घर पर चलेंगे, सुबह चल चलेंगे ठीक है बेटा। इस टाइम रात है, गाड़ी नहीं आएगा इस टाइम, सुबह गाड़ी आएगा। ओके रात भर सो जाओ फिर सुबह चलेंगे। इतना ज्यादा जिद कर रहे ना दोस्तों कि जाने के लिए घर पे, मतलब कि देखो मैं चला जाता हूँ ड्यूटी ना, तो ये लोग दिन दिन भर घर में ही रहते हैं और कहाँ जाएंगे, यहाँ किसी को जानते भी नहीं, कोई वो नहीं है, और इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। और इसी वजह से लोग अपने अपने रूम में दरवाजा बंद करके रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। और बेचारी पता नहीं क्यों कल से ही कह रही है ना, कल से ही इतना ज्यादा दिन में ये नहीं रहते है ना, और थे अगर हम डर के मारे निकलते भी नहीं थे, यहाँ किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, कुछ हो भी गया तो कोई नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं निकलते हैं बाहर। इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है, और नया जगह पे कोई भी इंसान ज़्यादा घूमेगा नहीं इधर उधर, और पता नहीं फिर भी क्या हुआ है मानसी को, खाली घर जाने के लिए कह रही है। नहीं रो नहीं रो, चुप हो जाओ। चलेंगे ट्रेन से, चुप 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 चुप। ट्रेन से जाओ भी, बता दो दोस्तों को, बता दो। तो हम शूट नहीं कर रहे थे उसी टाइम से, देख रहे हैं रोए जा रही है। तो हम काजल बोली थोड़ा शूट कीजिए ना अभी से, क्या पता क्योंकि वीडियो देख के चुप हो जाती है ना, तो हम वीडियो बनाए तब भी और रोने लगी तेज, पहले रो नहीं रहे थे बस जिद कर रहे थे, जब वीडियो बनाए तो और रोने लगी।